हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्यूटर के कॉमन इशू के बारे में, जिसमें हमारा इशू ये आता है कि हमारे कंप्यूटर का डेट और टाइम ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। हम लोग ऑन करने के बाद डेट और टाइम को सेट भी कर देते हैं, उसके बाद भी वो चेंज होता रहता है। इसमें सारा प्रोसेस बताया है फ्रेंड्स मैंने, स्टेप बाई स्टेप आपको सारा सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सोल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर दें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये इशू जिस वजह से आता है वो वजह मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें जो हमारा डेट एंड टाइम का इशू आता है, सिर्फ एक ही वजह है जिसकी हमारा सीएमओएस सेल ख़राब हो जाता है, तो हमें वो चेंज करने को ज़रूरत पड़ती है। सीएमओएस सेल आपको मदरबोर्ड में नज़र आ रहा होगा, जो सिक्के की शेप में आपको सामने नज़र आ रहा है, इसे हम लोग चेंज करेंगे और हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। चेंज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। हमें सीएमओएस सेल के पास एक लॉक होता है, उसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा और इसमें हम लोग नया सेल लगा देंगे तो हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा। और एक बार डेट और टाइम को सेट करने के बाद हमारे डेट और टाइम बार बार चेंज नहीं होगा। सीएमओएस सेल का वर्क फ्रेंड्स यही होता है कि हमारे डेट और टाइम और जो हम लोग सेटिंग करते हैं वो सेफ रहें और चेंज ना हो बार बार। एक टाइम के बाद हम लोग इसे को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेड लाइफ होती है, जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी की होती है। सीएमओएस सेल आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और कंप्यूटर शॉप पे इजीली मिल जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना फ्रेंड, जिस तरीके से हम लोग इसे बाहर निकालते हैं उसी तरीके से हम लोग इसे लगा देंगे और हमारे सिस्टम का सारा इशू जो डेट और टाइम का आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे वापस लगाने वाला हूँ। जब आप सेल चेंज करें तो यहाँ पर इसे थोड़ा क्लीन कर लीजिएगा, अगर आपके पीसी में डस्ट वगैरह हो तो। तो चलिए, अब सेल को मैं वापस लगा दे रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी लगा दीजिए। इसे रखने के बाद यहाँ पर थोड़ा ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे लग जाएगा, इसका एक लॉक होता है जिसमें ये फंस जाता है। तो अब इसके कवर को हम लोग वापस क्लोज कर देते हैं और हम लोगों का जो इशू है अब सॉल्व हो जाएगा। आपको एक ही बार डेट और टाइम को सेट करना होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूं। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।